नमस्कार बहु एक्सर्स देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ राकेश पटेल इस समय हम उधमपुर ज़िले के जगानू ब्लाक में मौजूद हैं और मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि लगातार मनरेगा के काम जनान जगानू ब्लाक में लगातार चल रहे हैं वहीं लोगों को सरकार द्वारा रोजगार देने की गारंटी जो है वो दी जा रही है लेकिन कहीं ना कहीं इन लोगों की एक बड़ी प्रॉब्लम है इन लोगों का कहना है कि मनरेगा के जरिए दिहाड़ी दी जाती है वो बहुत काम है आम अगर बात करें तो पाँच सौ के करीब दिहाड़ी का रेट है इन लोगों की मांग है कि दिहाड़ी को बढ़ाया जाए और वहीं 2017 और 18 की जो लाइबलिटी है जो पेंडिंग पेमेंट है वो इन्हें वापस दी जाए हम हरदेव सिंह नायब सरपंच पंचायत स्नाल तो ये हमारा मनेरिका का, का काम लगा हुआ है ये हम सेंट्रल गवर्नमेंट से अपील करते हैं जे मनेरिका का, का काम बहुत अच्छा है लोगों को रोज़गार मिल रहा है मगर सर इसमें जो दाढ़ी है बहुत कम है इसलिए लोग काम में कम लगते हैं हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं कम से कम ये इसकी जो दाड़ी है चार सौ रुपये दाढ़ी होनी चाहिए और जो हमने पिछले काम किए हैं पिछली हमारी सोलह सतारह की जो लाइबिलिटी है वो लाखों में है और किसी के बजरी के पैसे देने हैं किसी के सीमेंट के पैसे देने हैं तो हम सर गवर्नमेंट के आगे अपील करते हैं कि जो हमारे पिछली लाइबिलिटी है ये हमें जल्दी से जल्दी मिलनी चाहिए और जो जिन्होंने कोई काम अच्छे नहीं किए उसकी चेकिंग होनी चाहिए जिन्होंने अपने गाँव में अच्छे काम किए हैं ठीक काम किए हैं उनको जल्दी से जल्दी हमारी जो लाइबिलिटी है उसकी पेमेंट होनी चाहिए हम सरकार का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं मेरा नाम बंसीलाल है पंचायत सुनाल और जो निर्गह काम चल रहा है इसमें बहुत सारी कमियाँ हैं जैसे अभी दिहाड़ी जो है बहुत कम है दो सौ रुपये दिहाड़ी दे रहे हैं दो सौ चौदह रुपये दिहाड़ी दे रहे हैं इसके लिए हमें लेबर इकट्ठा करने के लिए बहुत ज़्यादा परेशानी होती है कम से कम ध्या जो है चार सौ रुपये होने चाहिए और बाकी जो है इसकी पिछली जो लाइब लाइबिलिटी है सोलह सत्रह या अठारह की है वो गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि वो जल्दी से जल्दी दें और